तो भाई अमेजोन पे जब भी हम कोई फोन सर्च करते हैं नया खरीदने के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा सर्च रिजल्ट में थोड़ा सा उस फोन के नीचे एक उसी फोन का रिन्यूड वाला वेरिएंट भी हमको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आपने कोई फोन सर्च किया अमेजोन पे और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम जब ऊपर की तरफ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे एक रिन्यूड वाला वेरिएंट उसी फोन का होता है जो कि उसके ओरिजिनल प्राइस से थोड़ा कम प्राइस में हमको मिल रहा होता है। तो क्या वो रिन्यूड वाला जो फोन है वो आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बात करेंगे उसके बारे में। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, रिन्यूड प्रोडक्ट जो है अमेज़न पे उसकी सारी डिटेल आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलो भाई फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, इन फोन्स को लेने या ना लेने का डिसीजन लेने से पहले इनके बारे में डिटेल्स जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं नाम से, रिन्यूड। नाम से ही पता चलता है कि जो फोन है वो नया नहीं है। अब ये रिन्यूड है क्या? देखो, इसमें दो तरीके के फोन अमेज़न पे मिलते हैं जो रिन्यूड का टैग लगा के बेचते हैं ना। ये बेसिकली दो तरह के फोन होते हैं। पहले तो वो जिन फोन्स की सिर्फ अनबॉक्सिंग वगैरह कर ली जाती है, बाद में फोन को जैसे कि बेच दिया जाता है, उनका यूज नहीं होता। दूसरे वो जो कि रिफर्बिश्ड होते हैं, जैसे कि कोई ब्रांड से ही जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या जिस फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी ने फोन लेके रिटर्न कर दिया, तो उस तरीके के जो फोन है वो रिफर्बिश्ड के नाम पे आते हैं और रिन्यूड का टैग लगा के अमेज़न पे बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं इस तरह के फोन्स की डिटेल के बारे में। सबसे पहली चीज जो कि अमेज़न खुद कहता है, वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो फोन अगर आप मंगवाएंगे रिन्यूड वाले, इन पे हो सकता है आपको माइनर सा स्क्रैचेस वगैरह देखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि फोन नया नहीं है, आपको नहीं पता कि वो फोन अनबॉक्स हुआ है या कोई वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला है या कोई और तरह का रिफर्बिश्ड फोन है, तो उस पे हल्का फुल्का कुछ स्क्रैचेस वगैरह हो सकते हैं। दूसरी चीज कि उस फोन के साथ में जो एसेसरीज है वो हो सकता है कि आपको ओरिजिनल ना मिले, यानी कि वो जो फोन आप खरीद रहे हैं उसके साथ में जो ओरिजिनल एसेसरीज आती हैं, चार्जर, ईयरफोन वगैरह, हो सकता है वो आपको ओरिजिनल ना मिले, थर्ड पार्टी की मिले। तीसरी चीज कि भाई जो फोन आप ले रहे हो सकता है वो उसके ओरिजिनल बॉक्स में ही ना आए, हो सकता है ऐसा। अमेज़न खुद बोलता है कि भाई वो उसके ओरिजिनल बॉक्स में ना आके एक प्लेन वाइट बॉक्स में भी आ सकता है। इसके अलावा जो थर्ड चीज कि भाई ठीक है, ये भी, इस फोन की जो वारंटी है वो आपको ब्रांड से नहीं मिलेगी, हाँ, और उस फोन की जो वारंटी है वो सिर्फ आपको 6 मंथ की मिलेगी, वो भी सेलर की तरफ से। ये जो रिन्यूड फोन है इसकी वारंटी आपको ब्रांड से नहीं मिलेगी। मान लो जैसे कि आपने कोई सैमसंग का फोन ये रिन्यूड वाला खरीद लिया, तो उसकी जो वारंटी है वो आपको जो सेलर बेच रहा है उसकी तरफ से मिलेगी। तो भाई ये सारी डिटेल्स है अमेज़न रिन्यूड प्रोडक्ट की। अब डिसीजन आप लोगों के सामने है कि ये फोन आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। देखो, मैं तो ऐसे किसी भी रिन्यूड या रिफर्बिश प्रोडक्ट को अमेज़न से क्या कहीं से भी कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। ये आपको नहीं लेने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्यों? कि भाई देखो, सबसे पहले तो जो वारंटी है वो आपको ब्रांड से नहीं मिलती। चलो 6 महीने की भी है, ठीक है, लेकिन वो आपको ब्रांड से नहीं मिल रही, वो आपको सेलर से मिल रही है। अब सेलर आपको कल को आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किस तरीके की सर्विस आपको सेलर की तरफ से मिलेगी वो आपको नहीं पता। ब्रांड से सर्विस मिलती तो आपको ठीक है कि सर्विस सेंटर पे जाके हम उसको करा लेंगे, लेकिन आपको सेलर से सर्विस मिलती है तो वो आपको नहीं पता। सेकंड चीज कि भाई जो फोन आप खरीद रहे हो उसके बारे में भी आपको नहीं पता कि वो फोन भाई कोई अनबॉक्स हुआ फोन था या वो फोन कोई ब्रांड से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला था, किसी और तरीके का रिफर्बिश्ड है, उस पे कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं होगा, उसके साथ में जो एसेसरीज है वो ओरिजिनल आएंगी कि नहीं आएंगी, ओरिजिनल बॉक्स में होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी कंडीशंस हैं इन फोन्स को ना खरीदने की। तो गाइस, इस तरीके के रिन्यूड फोन्स या इस तरीके के कोई भी रिन्यूड प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा है आप पूरे पैसे डाल के नया खरीद लो, क्योंकि भाई मैंने काफी सारे लोगों के ऑनलाइन रिव्यूज देखे हैं जिन्होंने इस तरीके के रिन्यूड या रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदे हैं, रिफर्बिश्ड फोन वगैरह, उनको बाद में किसी के में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को लग रहा है कि फोन पे स्क्रैचेस ज्यादा है, किसी ने कुछ प्रॉब्लम बताई है, बाद में उन लोगों ने वो जो फोन है वो रिटर्न किए हैं। तो इस तरीके की चीजें आप लोग के साथ में ना हो, इससे अच्छा भाई आप लोग इस तरीके के प्रोडक्ट को ना खरीदें, अवॉइड करें, नया फोन ही लें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।